हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेपीएस क्लासेस। प्यारे बच्चों, मैं नवनीत सर, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। आप आई होप कि एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया होगा, आपका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन हो गया होगा, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं कम टाइम में जितना मैं आपके लिए कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ मोशन ऑन इनक्लाइंड प्लेन प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड जेई मेंस और एडवांस के कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। चलिए, तो पहला जो को न्यूमेरिकल है, प्यारे बच्चों देखो, ट्राई करो, आप खुद ट्राई करो, ठीक है। अब सेल्फ ट्राई करोगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से रिजल्ट आएगा। तो ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विद एंगल अल्फा हॉरिजेंटल ऑफ द फुट ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंक्लिनेशन दिया हुआ कि ये इंक्लाइंड प्लेन है जो कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री है, ठीक है ना। और यहाँ से अल्फा, हॉरिजेंटल से अल्फा डिग्री पे, ये पूरा एंगल कितना है भाई, अल्फा। अल्फा डिग्री पे एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिए और वो पार्टिकल नॉर्मली हिट किया, समझना इसको, बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट कंडीशन है प्यारे बच्चों। ये जो पार्टिकल है यहाँ इंक्लाइंड प्लेन को नॉर्मली हिट किया, मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन से नॉर्मली ऐसे हिटिंग हुई है। अगर इंक्लाइंड प्लेन को मैं एक्स एक्सिस मानता हूँ ये वाली, और इधर मैं वाई एक्सिस मानता हूँ, ठीक है, समझना इसको। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो जीरो है इस पॉइंट पे, समझ रहे हो, ये पॉइंट ऑफ हिटिंग पे एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जीरो है। कहाँ से पता चला मुझे, इस कंडीशन से पता चला, कंडीशन जो दिया था प्यारे बच्चों उससे पता चला। और वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो कुछ होगी, वो हमें पता ही नहीं है, वी डोंट नो अबाउट इट। तो चलो यहाँ पे जो एक्सलेशन जी लग रहा है उसके भी कंपोनेंट कर देते हैं। ये एंगल थीटा है, 30 है, ये अल्फा है, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया अल्फा माइनस 30, ठीक है, अल्फा माइनस 30। इसको कुछ बीटा बोल देते हैं, कुछ नाम दे देते हैं। चलो यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट हुआ था तो यू के दो कॉम्पोनेंट हो गए। चलो एक आ गया यू कॉस थीटा, एक आ गया यू कॉस बीटा, ठीक है, और एक आ जाएगा यू साइन बीटा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा जी। ये वाली जो लाइन है वो वाई एक्सिस है और ये एक्स वक्स एक्सिस है, ये कितना होता है 30 डिग्री होता है। तो जी के दो कंपोनेंट हो गए, कौन कौन, जी कॉस 30 और ये आ जाएगा जी साइन 30। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, अगर इतना भी नहीं आता है ना तो समझ लो जे मीन्स तुम निकाल नहीं पाओगे। ये यहाँ से जी इधर लगा, जी के कंपोनेंट जी कॉस 30 और ये आ जाएगा जी साइन 30। जो यू इधर जा रहा था ये बीटा डिग्री पर था, तो ये आ जाएगा यू कॉस बीटा और ये आ जाएगा यू साइन बीटा। आई होप कि इतना सबको आता होगा। यहाँ नॉर्मली हीटिंग हुआ है तो अल्फा कैसे निकाला जाए यार, ठीक है। अल्फा निकालने के जो तरीका है, अल्फा चलो इधर निकालते हैं अल्फा। तो जो अल्फा है प्यारे बच्चों, अल्फा, अब देखो यहां से यहां तक टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे याद है, ऑलरेडी नो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टू यू साइन बीटा अपॉन जी कॉस थीटा, भूल गए। तो एनिमेशन वाला मेरा वीडियो है, इससे पहले जो वीडियो है वो देख लेना, थियरी वाला। अगर ये एंगल थीटा है और ये प्रोजेक्शन बीटा है, ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा वो टू यू साइन थीटा अपन जी, इसको टाइम T1 बोल देता हूँ, और टाइम ऑफ फ्लाइट इसको ढंग से लिख लो, टू यू साइन, यहाँ बीटा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा माइनस 30, और यहाँ जो थीटा है, ठीक है, यहाँ जो थीटा है वो 30 डिग्री है, तो यह आ जाएगा जी कॉस 30। आई होप कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया ना। चलो अब अगर यहाँ वाई एक्सिस में वेलोसिटी एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जीरो है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एक्स एक्सिस में लगा दें, अप्लाइंग वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इन एक्स एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस में इसको लगा दो, फर्स्ट इक्वेशन को एक्स एक्सिस में लगा दो, यहाँ से जो टाइम आएगा और यहाँ से जो टाइम आएगा उन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फर्स्ट मैं लगा दूँ, तो अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पे x एक्सिस में वेलोसिटी जीरो और इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में कितनी है बोलो, u cos बीटा अल्फा माइनस 30, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस जी
साइन 30 टाइम ऑफ फ्लाइट स्मॉल टी, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी इधर है, एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन इधर है जो कि जी कॉस। तो यहां से टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा प्यारे बच्चों वो आ जाएगा यू कॉस अल्फा माइनस 30 और डिवाइडेड बाई जी साइन 30। तो ये जो जी साइन 30 वाली जो वैल्यू आ जाएगी वो, अब इन दोनों को क्या करो, इक्वेट कर दो भाई, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को इक्वेट कर दो, अल्फा आ जाएगा। क्यों इक्वेट करोगे भाई, दोनों टाइम ऑफ फ्लाइट ही तो है, दोनों पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाने में लगने वाला टाइम ही तो है, तो चलो इक्वेट करके यहाँ से सॉल्व कर लो। इक्वेट कर दिया जाए, इक्वेट इक्वेशन फर्स्ट है सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को जल्दी से इक्वेट कर दो, फटाफट इक्वेट कर दो इसको। चलो तो अगर मैं इसको इक्वेट कर दूँ तो किधर गया भाई, तो ये टू यू साइन अल्फा माइनस 30 अपान जी कॉस 30, ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा इसके, ये कितना है यू कॉस अल्फा माइनस 30 डिवाइडेड बाई जी साइन 30, ठीक है। अब इसको और इसको कैलकुलेशन करो, ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है वो कर लो इसको। तो जी ने जी को, यू ने यू को, टू टेन मतलब टू टेन अल्फा माइनस 30 इज इक्वल टू, टू टेन अल्फा इज इक्वल टू यह जाएगा कॉट 30, कॉट 30 इज इक्वल टू और रूट 3, ठीक है। तो टेन अल्फा, तो अल्फा माइनस 30 इज इक्वल टू टेन इनवर्स रूट 3 बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू जो आ जाएगी, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 30 प्लस 10 इनवर्स रूट 3 बाई 2, तो ये वैल्यू आ जाएगी। चलो देखो कोई ऑप्शन सही है या ऐसे ही फर्जी आ गया, रूट 3 टेन थर्टा 30 ये, तो ये फर्स्ट ऑप्शन सही है। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। चलो फटाफट करो क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन करो, ये जो ट्राई करो, देखो होता है। कहता है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एंगल थीटा विथ इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन बीटा एस ऑन इन फिगर। चलो फिगर बना दे, यहाँ पे मैं आपका हेल्प कर देता हूँ। ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन की जो इंक्लिनेशन है प्रोजेक्टेड एंगल थीटा विथ इंक्लाइन इफ द इंक्लिनेशन बीटा, ध्यान देना इंक्लिनेशन बीटा है, यहाँ से थीटा डिग्री पर प्रोजेक्शन हो चुका है यू से, ठीक है। अब यहाँ पे पार्टिकल पहले वाले केस में, पहला वाला केस सॉल्व करते हैं, पहले वाले केस में जब पार्टिकल यहाँ लैंड करेगा, समझना यहाँ से मैं फेंकूंगा जो लैंड करेगा वो नॉर्मली लैंड कर रहा है, पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो यहाँ से लैंडिंग जो है वो जब इंक्लाइन प्लेन को स्ट्राइक करेगा तो नॉर्मली स्ट्राइक करा ऐसे, समझ रहे हो, यहाँ नॉर्मली स्ट्राइक है। तो ये अगर एक्स एक्सिस है तो यहाँ एक्स एक्सिस में वेलोसिटी जीरो चली गई और ये वेलोसिटी वाई एक्सिस में बच गई भाई, और यहाँ से यू था, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये आ जाएगा यू कॉस थीटा और ये आ जाएगा यू साइन थीटा, और जो जी है वो जी वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, तो जी के दो कॉम्पोनेंट हो गए, कौन कौन से, बीटा और ये आ जाएगा जी कॉस बीटा और ये आ जाएगा जी साइन बीटा, ठीक है, आया समझ में। तो चलो यू कॉस थे, अब निकालना हमें अल्फा बीटा निकालना पहले वाले केस में, तो चलो पहले वाले केस में रिलेट करते हैं अल्फा एंड बीटा कैसे रिलेट करते हैं। क्या किया जाए भाई है कुछ आइडिया है, अल्फा एंड बीटा रिलेट किया जाए। चलो एक तो फार्मूला में टाइम ऑफ फ्लाइट का पहले से याद है, पहले केस में, ठीक है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट हमें याद है, जाने में टाइम T1 लगा होगा, तो 2u sin थीटा अपान g cos बीटा, इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा होगा ऑलरेडी हमें याद है 2u sin थीटा और g cos बीटा। चलो x एक्सिस में वेलोसिटी जीरो है तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा देते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 किधर, इन x एक्सिस, ये वाली जो इक्वेशन है वो x एक्सिस में लगा दो, क्या दिक्कत है,
एक्स एक्सिस में लगा दो, तो अगर ये एक्स एक्सिस में लगा दोगे तो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस में जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी देखो एक्स एक्सिस में यू कॉस थीटा है, और एक्स एक्सिस माइनस जी साइन बीटा है, और टाइम ऑफ लाइट टी है, ए इक्वेशन नंबर टू है। तो ये दोनों आ गए हमारे पास, दो मास्टर इक्वेशन आ गए। इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, इक्वेट करो इनको। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड वो इक्वेट करूँ तो इधर से आ जाएगा टाइम ऑफ लाइट, इधर से आ जाएगा टाइम ऑफ लाइट इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन जी साइन बीटा, और यही टाइम ऑफ लाइट उसके बराबर होगा टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। अरे आया आया समझ में, पूरा आया कि आधा आया यार, या ऊपर से निकल गया, ठीक है। इन दोनों को इक्वेट कर दो, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है यार, आसान है यार। तो यही सोल्यूशन है। तो यू ने यू को, जी ने जी को, ठीक है, मतलब ये हुआ कि कॉट थीटा इज इक्वल टू टू टैन बीटा, ये सोल्यूशन है, ठीक है, पहले का। चलो आई होप कि पहला वाला कंडीशन आपको समझ में आ गया होगा। दूसरे वाले में यही कह रहा है कि दूसरे वाले में पार्टिकल केस टू में वो इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजेंटली लैंड करता है, इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजेंटली। तो अगर हॉरिजेंटली लैंड करता है तो हम सबको पता है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन वाला प्रोजेक्टाइल है, कोई नया प्रोजेक्टाइल तो है नहीं भाई, एक दीवार आ गई थी, एक वॉल आ गई है बीच में, यही तो बना है। जो एक्चुअल अपनी प्रोजेक्टाइल थी वो ये थी यार, ठीक है, एक्चुअल प्रोजेक्टाइल वो ये थी। अब ये वाली जो प्रोजेक्टाइल है, ये हाइट हुआ करता था, ये रेंज हुआ करता था, ठीक है, और इसी प्रोजेक्टाइल के रास्ते में एक ये वाली जो वॉल आ जाती है तो ये इंक्लाइंड प्लेन हो जाता है, ठीक है। चलो अगर यहाँ से प्रोजेक्ट हुआ, ये एंगल बीटा है और ये एंगल पूरा थीटा है, तो यहाँ से अगर ऐसे प्रोजेक्ट हुआ तो यहाँ इंक्लाइंड प्लेन को हॉरिजेंटली टच किया, हॉरिजेंटली टच किया, यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगा, ठीक है, अगर मैं एक्सिस ऐसे लेता हूँ, एक्स एक्सिस और ऊपर वाई लेता हूँ, तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है वो सिर्फ एक्स में होगी हॉरिजेंटल, वो भी होगी वाई एक्सिस में, यहाँ वेलोसिटी जीरो होगी अगर ऐसे मैं देखता हूँ तो, ठीक है। चलो तो ये जो हम लोग नॉर्मल प्रोजेक्टाइल पढ़ के आए थे उसका टाइम ऑफ लाइट क्या हुआ करता था, ठीक है, इधर एक बार याद कर लो। अगर यहाँ से प्रोजेक्टाइल हुआ करता था थीटा डिग्री पे, तो टाइम ऑफ लाइट टू यू साइन थीटा अपॉन जी हुआ करता था, ये टाइम ऑफ लाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को तो यहाँ से यहाँ तक जाने की, ये पूरा टाइम ऑफ लाइट था ना, तो ये आधा के लिए कितना हुआ, हाफ हुआ, तो ये टाइम ऑफ लाइट आ जाएगा हाफ टू यू साइन थीटा। देखो थीटा पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल है, तो ये पूरा एंगल कितना, यहाँ पूरा एंगल काउंट होगा, ये पूरा एंगल लूंगा ये, तो यहाँ आ जाएगा थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई जी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समझ रहे ना। ये इक्वेशन आधे प्रोजेक्टाइल के लिए लगा दिया हूँ ये। अब यहाँ से ये मुझे पता चल गया, दूसरा हमें अगर ये इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ से लेके इंक्लाइंड प्लेन है, तो हमें डायरेक्ट टाइम ऑफ लाइट याद है। तो डायरेक्ट टाइम ऑफ लाइट याद है वो क्या होता है, वी नो दैट हमें पहले से पता है भैया, हमें याद वाद है, वी नो दैट टाइम ऑफ लाइट टी डैश इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा, ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत नहीं आई होगी, ये इंक्लाइंड प्लेन के प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट है। अब इन दोनों, ये दोनों टाइम फ्लाइट ही थे, तो इसी को इक्वेट कर दो, रिलेट हो जाएंगे पैरेलल के कंडीशन में, हॉरिजेंटल के कंडीशन में, ठीक है। तो चलो रिलेट कर दो इनको, इक्वेट कर दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को इक्वेट कर दो। इधर बचा यू साइन थीटा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई प्यारे बच्चों जी, ये बराबर होगा इसके, ठीक है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस बीटा। एक भी थीटा बीटा अल्फा छूटा ना तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना कर, कि जी ने जी को, यू ने यू को, क्या किया भाई, तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ से आ गया, देखो रिलेशन सही आ रहा कि गलत आ रहा भाई, एक मिनट चेक करो कि तो इसका
सही है, टू साइन साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा, ठीक है। तो जो टू साइन है, टू साइन थीटा अपॉन कॉस बीटा और साइन थीटा प्लस बीटा, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखो, पहली बात, बहुत सारे बच्चे इसमें कहते हैं कन्फ्यूज होते हैं, बहुत सारे जेई मेंस के और आईआईटी की तैयारी करते हैं इसमें कन्फ्यूज होते हैं, क्योंकि किसी और अच्छे बुक में ये थीटा के टैन थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ, तो टैन थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन अलग भी आ सकता, पर सेम है, कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है। चलो एक नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन ये देखो, सब लोग ट्राई करो इसको, देखो होता है भाई। ए पार्टिकल इज थ्रोन एट हाइट एच हॉरिजॉन्टली टुवर्ड ए वर्टिकल वॉल इट इज बी ए सोन इन फिगर। चलो पहले एक फिगर बना लो, यहाँ एक वॉल बना लो, यहाँ से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, ये वॉल है, यहाँ से हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, ध्यान देना, ठीक है, हॉरिजेंटली। हाइट ऑफ द वॉल इज एच, ठीक है, हाइट ऑफ द वॉल इज एच, वर्टिकली रिटर्न टू द पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन, ध्यान देना, यहाँ से एच हाइट के बिल्डिंग से प्रोजेक्ट हुआ है और दोबारा यहीं आता है, कैसे आएगा भाई। इफ द पार्टिकल इक्विलिब्रियम आफ्टर द सफरिंग टू इलास्टिक कोलिजन विद द वॉल, वन विद द वॉल एंड अदर विद द ग्राउंड, फाइंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। वर्टिकल वॉल, देखो अब यहां पर एक दूसरी वॉल है, समझना, ये वॉल है, ठीक है, और ये वर्टिकल वॉल है। जब हमने इसको इधर प्रोजेक्ट किया तो ये जो अभी कोलिजन है वो इलास्टिक है, समझना इसको, ऐसे हमने प्रोजेक्ट किया, एक वॉल से कोलिजन किया, फिर ये ग्राउंड पे आया होगा, समझ रहे ना, ऐसे ग्राउंड से कोलिजन किया होगा, फिर ऐसे आया होगा, इस टाइप का कुछ, समझ रहे ना, तभी तो वहीं आएगा जहां से प्रोजेक्ट किया गया, वहीं आ रहा है। टू कोलिजन, एक वॉल से, वर्टिकल वॉल से, और एक ग्राउंड से कोलिजन करेगा, तो ये जो ग्राउंड से कोलिजन किया, ठीक है, और दोबारा यहीं आ गया यार, तो इस प्रोसेस में कितना टाइम ऑफ फ्लाइट लगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, ये बेसिकली बहुत आसान क्वेश्चन है यार, ठीक है, और इसको आई होप कि बहुत लोग कर सकते हैं इसको। चलो देखो, तो एक बार करते हैं इसको, तो एक बार इसको अगर मैं करूं तो चलो ये देखो, अब कोलिजन इलास्टिकली है, ध्यान देना, कोलिजन इलास्टिकली है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, कहीं कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, ये फाइनली यहाँ था, इधर इधर कहाँ गया, फाइनली ग्राउंड पे आया है, तो इसको सीधा जाए या वर्टिकल, वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो पहले जब इसको वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली एच आने में कितना टाइम लगा टी, ये क्लियर है सबको, नीचे टाइम ऑफ डिसेंडिंग टी है, तो इसको ऊपर जाने में, इधर से ऊपर जाने में भी तो टाइम टी लगा होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2t हो गया, ठीक है भाई। इस कर्व पाथ पे इसको यहां से यहां और यहां से यहां तक वर्टिकल में देखो, वर्टिकल में तो लगा दो s = ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इन वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस में इसको लगा दो, तो वाई एक्सिस में लगा दोगे तो वाई एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट एच हो गया, माइनस एच ले लो, y एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी 0, हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हुआ था, माइनस जी टाइम ऑफ टी का स्क्वायर, तो कितना हो गया टाइम भाई, टाइम आ गया 2h/g√, तो 2h/g√ आ गया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, ठीक है, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो आ जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2h/g√, क्यों, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा कि कोलिजन इलास्टिकली है, अदरवाइज वेलोसिटी बदल जाएगी, अगर वेलोसिटी बदल जाएगी तो वो इस तरह से तुम लगा नहीं सकते भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो भाई, तैयारी कर चुके हैं ना यार, होगा ना तैयारी, कि साल भर मस्ती किए हो भाई, आईआईटी के बहुत सारे, देखो मैं ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, ठीक है, पर मैं यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियो देखता हूँ, और वो लोग क्या करते हैं कि ट्रिक बताते हैं, ट्रिक्स, ये ट्रिक्स वो ट्रिक्स, क्वेश्चन आए से तो वैसे, अरे मेरे भाई अगर ट्रिक से आईआईटी निकल जाता, ठीक है, अगर ट्रिक से आईआईटी निकल जाता तो वो जो प्रोफेसर बैठे हैं वो क्या उनको नहीं वो ट्रिक आती है, हाँ वो ऐसे क्वेश्चन, सॉरी ट्रिक मतलब एक दो ट्रिक सीख लिए, नो डाउट ट्रिक
कुछ जो ट्रिक होते हैं हम भी बताएंगे आपको, वो बहुत हेल्पफुल होते हैं कुछ ही क्वेश्चन में। पर ये बात कहो कि ट्रिक सीख के आईआईटी निकाल लोगे, तो ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ बात है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कितनी भी परसेंट सच्चाई नहीं है। जो सच्ची वाली बात ये है, तुम्हें भले के लिए कराऊँ कि ट्रिक अच्छी होती है, कुछ क्वेश्चन में हेल्प मिल सकता है, मैं भी कराऊँगा, बट यार ये कहो कि ट्रिक से आईआईटी निकाल लोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, अरे फेक है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, तो अपना मार्केटिंग करते हैं। तो ये पार्टिकल इज थ्रोन फ्रॉम द पॉइंट विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट द 20 मीटर पर सेकंड 60 डिग्री द हॉरिजेंटल, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री। चलो यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन है, देखो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन करो, इसमें इस क्वेश्चन में मैं बताता हूँ बहुत सारे लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं मैं बताता हूँ कि ए पार्टिकल प्रोजेक्टेड इंक्लाइंड प्लेन विद ए वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड एट एंगल 60 डिग्री हॉरिजेंटल। चलो हॉरिजेंटल से 60 डिग्री पर एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दो, ये एंगल 60 डिग्री है हॉरिजेंटल से, और यहाँ पर प्रोजेक्ट किए, एट व्हाट टाइम द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। अब कितने टाइम बाद वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल आ जाएगी। अब देखो अभी तुम कहोगे कि नॉनी सर पिछले वाले क्वेश्चन में पैरेलल तो कराए तो थे, वही वाला कॉन्सेप्ट लगा दो। अरे मेरे भाई अगर वही वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो गलत हो जाएगा, उसमें बोला था इस ग्राउंड के उस समझना इसको, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, तो इस ग्राउंड के पैरेलल नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल जब कोलिजन हुआ, ये वेलोसिटी इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल हुई, उस वाले केस में ग्राउंड के पैरेलल था, तो ऊपर वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे बिल्कुल गलत आ जाएगा आंसर। और 99% बच्चे वही लगाते हैं, वही करते हैं, जब भी मैं पढ़ाता हूँ कहते सर वो ऊपर वाला पढ़ाए थे उससे आंसर नहीं आ रहा, इससे आ रहा करके देखो गलत आएगा, ठीक है। तो ये इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल है, न कि ग्राउंड के पैरेलल हो तो सही होता। चलो अब ये कितनी वेलोसिटी से 20 मीटर पर सेकंड से हमने प्रोजेक्ट कर दिया, अब यार एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 30 है, ये एंगल 30 है तो ये भी तो 30 हो जाएगा भाई। चलो अगर ये 30 हो गया तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी है, इधर मैं एक्स एक्सिस ले लेता हूँ और इधर मैं वाई एक्सिस ले लेता हूँ, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो है, क्योंकि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग पैरेलल वाली वेलोसिटी है। चलो क्या मैं डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगा सकता हूं? नहीं, डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट की जो फार्मूला लगाओगे तो ये मैं इसको मतलब न्यूमेरिकल इससे करेंगे सॉल्व, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से करेंगे और इसको लगाते हैं हम लोग एक्स एक्सिस में वाई एक्सिस में, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाओगे ना तो एस इज इक्वल टू यू टी से आया था और वो एस इज इक्वल टू यू टी से आया था और साथ साथ उसमें जब लैंडिंग हुई थी तो एक्स जीरो जो वाई था वो जीरो नहीं था भाई, ठीक है, तो वाई जीरो नहीं था, तो ये इंक्लाइंड प्लेन के ये वाला तो वो गलत हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लगा देते हैं तो वाई एक्सिस में लगा दो, वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में 20, तो वाई एक्सिस में आ जाएगा 20 साइन 30, समझ रहे ना, और वाई एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में कितना आ गया 0, और ये इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस में ये 30 है तो ये 20 साइन 30 और माइनस एक्सलेशन वाई एक्सिस में, देखो एक्सलेशन वाई एक्सिस में माइनस जी कॉस 30 और टाइम ऑफ फ्लाइट टी टाइम लगा होगा इसको वहाँ तक जाने में। चलो सॉल्व कर लो इसको, यही सलूशन होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आता भाई, कैलकुलेट करो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू 20 साइन 30 डिवाइडेड बाई जी कॉस 30, तो जी कॉस 30, तो भाई ये आ गया 20 और ये आ गया साइन 30 1/2, ठीक है, और जी आ गया 10 और कॉस 30 साइन 60 √3/2, तो √3/2, तो एक जीरो ने एक जीरो को, एक दो ने एक दो को, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है, 2/√3,
तो इतना टाइम लगा होगा 2/√3 सेकेंड, ये इसका सोल्यूशन है, ये इसका सोल्यूशन है। एक बार देख लेते हैं सही है आंसर की 2/√3 सही है। तो मैं इस पे और भी आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा प्यारे बच्चों, मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन। आई होप कि ये लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन यू। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छी रैंक लाओ IIT में, ठीक है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।